मैं तुम्हारे आगे हार मानती, मैं तुम्हारी शादी हम दोनों से करा। तुझे अच्छी है? हाँ। कि तू वादा करो फिर तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करो। वादा करती हूँ मैं नहीं करूंगी। सबर करो चादर, मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको राजी करने की कोशिश करती हूँ इस रिश्ते की। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया। सो पिलाती हूँ तुम्हें। सही है, ठीक है, फिर मैं आपकी तरफ कल आता हूँ। श्योर, गुड ऑफिस। चाय हारे बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अब हरिश्मा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अकेले में बात नहीं करनी आरब से, तुम भी यही रहो बैठो। बेटा माया की वजह से मैं बहुत सख्त परेशान हूँ, इतनी मैं पूरी जिंदगी में परेशान नहीं हूँ। परेशानी तो हम दोनों को भी बहुत हुई है। जरा सी देर हो जाती न जाने क्या से क्या हो जाता। उसने जो हरकत की है, इस बात की क्या गारंटी कि वो वापस कुछ इस तरह का नहीं करेगी? यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। ओ फिर अब इस मसले का क्या हल है आंटी? हल निकाला है मैंने। वो क्या? मैं माया की शादी हमदान से करना चाहती हूँ। अम्मी आपको अंदाजा भी, आप क्या बात कर रही हैं? हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। अगर आपको अंदाजा होता तो आप ये हरगिज़ बात ना करती। मुझे मेरी बेटी अजीज है यार, मैं उसे यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। बस आपको सिर्फ उसी की परवाह है। मुझे सबकी परवाह है, आप सबकी परवाह है, रिश्मा की परवाह है, जमाल भाई की भी है। रिश्मा तो समझदार है, समझ सकती है कि आंटी जो बात कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। और रही बात जमाल भाई की, तो उनसे मैं खुद बात करूंगी। लेकिन अम्मी आप, मैं वादा करके आई हूँ माया के साथ कि मैं उसकी शादी हमदान से कराऊंगी और मैं अपना वादा ये पूरा करूंगी। मुझे मेरी बेटी जिंदा और खुश चाहिए।